हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले कि आपको जुम्मा मुबारक, और इस जुम्मे के सदक़े मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आज हमने पैंट नाज़र बारात के साथ जाना है, शौकत डॉन की बारात लेके जानी है। काफ़ी हंसमुख सा बंदा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा है। हर वक्त हंसता रहता है, कोई काम कोई बात ना भी हो तो भी हंसता रहता है, और दूल्हा वैसे काफ़ी अच्छा बना है वो। तो आज उसकी बारात लेके जाएंगे हम। पहली नज़र ड्रोन भी आज हमने ऑपरेट करना है, तो आपको ड्रोन से भी उसका शूट दिखाएंगे, बंगायात का भी शूट दिखाएंगे। अभी करते हैं पहले तैयारी। तैयारी करने के बाद सामान कुछ इधर पड़ा है वो लेके जाते हैं शॉप पे, और एक भाईजान आ रहे हैं, उनके उन्हें हमने देना है काम। कल आज रात को मैंने किया था, तो काम देने के बाद फिर हम जुमा मुबारक पढ़ेंगे और जुमे की रिकॉर्डिंग करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद इशफाक मदनी साहब का बयान रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद अगली रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कि जो हमारी ड्रेसिंग है वो कपड़े शलवार कमीज़ होगी, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक में हम इंशाल्लाह और हमेशा हमेशा यही मतलब सूट पहनते हैं, क्योंकि जुमे में नमाज़ फिर उस तरीके से सही होती है। पैंट शर्ट में नमाज़ वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो आज वो इस्त्री करने वाले हैं बच्चे, मतलब मेरी मिसेज, तो उसके बाद हम वो पहनते हैं, तैयारी करते हैं। फिर होगी हमारी मुकम्मल। असद भाई भी हमें लेने आ गए हैं, और एक कैमरा हमने अपने साथ लेके जाना है। इन इन्नी ठंड लग रही कि दस्ताने पा के टुरदा होंदा जे। देख लो ए दौर भी आना सी साढ़े पाकिस्तान च, कि दस्ताने पा के बंदे चलन गए तो काम नहीं कर सकनगे। हाँ, फिर ये तो फिर है ना माशाल्लाह। अब हम जाते हैं अपनी शॉप पर, स्टूडियो में, तो करते हैं फिर बाकी काम। कि नौ नहार निखट्टू बच्चे पढ़ने आते हैं, सारा सामान लेके आते हैं। फॉलो इसका मेकअप का निकालो, क्या क्या निकाल इसमें लेके आइयो। ये जी पढ़ने आए हैं बच्चे, देखो नेल पॉलिश है ये, क्या सुर्खी, ये नेल पॉलिश और क्या लेके आइयो दिखा। ये हर वक्त तेरे को रहा है, तू किधर ब्यूटी पार्लर तो नहीं करनी, और कट की आएगा तेरे को, कट 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 नहीं मैं मरा छोरी का काम, तुम देखो इन्ना समान, अब पूरा ब्यूटी पार्लर तो ना लैक्ट्री फिर दिया है, नेल पॉलिशा दो कलर दी है ने, क्या बात है, चौबी घंटे सर्विस तेरे को तो माशाल्लाह। ए जी स्टूडेंट है पढ़न आए ने, तो वेखो सारा समान कोल हैगा माशाल्लाह, तो वेखो बड़े होके की करनगे, अल्लाह माफ़ करे ना बच्चियां। तो लेके आया है अंडा, असद ने नहीं उतारा, मुर्गी ने उतारा, बस उठा के ये लेके आया। इससे शर्त है कि ये कच्चा पीना है, पी लेते हैं फिर। मैं पहुँच आए हैं माशाल्लाह से, तैयारी कर ली है और कैमरा भी रेडी है हमारा। बयान तकरीबन 12:40 पर स्टार्ट हो जाएगा मुझसब का, और साथ में घर से फ़ोन आया था कि आज 11वीं शरीफ है, उसका कोई लंगर वगैरह ले के दें, बच्चों को तकसीम करना है दुरूद शरीफ पढ़ा कर। तो मैंने लिए हैं ये टांगर, आपकी ज़बान में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पंजाबी जैसे इन्हें टांगर कहने हैं, तो शेटा ये ज़्यादा मीठे होते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं, तो मैंने ये लिए हैं 2 किलो। तो अब माशाल्लाह इसे घर भेजते हैं, असद भाई जाएँगे, एक तो चक्की से आटा उठा के घर उसने रखना है, दूसरा ये देते आएंगे बच्चे, फिर पीछे बच्चों से गला ख़राब है थोड़ा इसलिए, तो वो दुरूशी पढ़ा कर तो ये बांट देंगे। आखिर राह में तकसीम किया हुआ ये हमारा माल अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और दुआ है इस नेकी के सदके अल्लाह ताला आपको भी अच्छी सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हमने माशाल्लाह से जुमा पढ़ लिया है, और अब हम पहुँच आए हैं मोहल्ले में, मतलब शौकत जॉन के घर। ये जी घर है, अभी वेटिंग में है, उन्होंने कहा था कि जुम्मा पढ़ने के फ़ौरन बाद आ जाना, लेकिन अब हम तो आ गए हैं, कोई भी बंदा नहीं है। डॉन साहब भी अभी तैयार हो रहे हैं, अभी नहीं पहुंचे, तो जैसे ही आते हैं वो उनकी सेरा बंदी शुरू हो जाएगी। अब हम खड़े हैं, उन्होंने कहा था तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा, अभी गाड़ी भी नहीं सजी और डॉन साहब भी नहीं सजे। हम बारात ले के दरबार शरीफ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मदरसा भी है, इस जगह दुल्हे साहब सलाम करेंगे, काफ़ी खूबसूरत दरस बना हुआ है। हम काफ़ी देर से वहाँ इस जगह आ गए थे, हमें उन्होंने कार नहीं दी थी, मतलब गाड़ी नहीं दी थी, बाइक दी थी,
और इस पे हम आए हैं, और आज मैं चलाने वाला हूँ ये वाला ड्रोन, ये छोटा सा बड़ा जदीद है, कमाल का ड्रोन है भाई, मेरा फेवरेट है भाईजान से मैंने मतलब परचेज़ किया है, और अब मैं चलाऊंगा ये वाला ड्रोन। आज के बाद ये ड्रोन है मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, इससे हम सारी वीडियो बनाया करेंगे, अपने ब्लॉग बनाया करेंगे। नज़दीक आ गई है, भाईजान एक और आ गए हैं, तो सलाम करते हैं, सलाम के बाद फिर बारात की इनकी कराते हैं। अच्छा तरीके से हुआ है, आप चेक करें, रिश्ते लगे हुए हैं भाई, ठंड में मदद से बैठे हैं, दुल्हा भाई भी चार भाई भी बैठे हैं, ये होती है माशाल्लाह बारात जाता हूँ। और माशाल्लाह हम मोटरसाइकिल पे आए थे, काफ़ी ठंड थी, कवरेज सारी हमारी मुकम्मल हो गई, अभी बारात खाना खाएगी तो उसके बाद वापस। दुल्हा भाई हैं शौकत डॉन, हमारे बुंगे के डॉन हैं, डॉन दो होते हैं जो भी आप समझ लें आपकी वजह से, बारात अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आके बैठ गई है सोफे पे बैठी अच्छा भाई, तो इधर आकर परेशान हो गए थे भाई, ये किस जगह पहुंचा है, इन्होंने सोचा कि हम रॉन्ग आ गए, लेकिन नहीं राइट आए थे, राइट आया भाई, लेकिन रॉन्ग बोले जाके सीखना पड़ेगा, ये शुरू होने वाला है। मैंने भाई को कह दिया कि लेने बना ले नीचे हो जाए, चार पाइयों से लंगर छूटने वाला है, कोई रह ना जाए। वीडियो हमारी इस जगह पे एंड, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। असद भाई बैग चौक चौक के खुश हो रहे हैं।